अस्सलाम वालेकुम, क्या सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? कैन समवन कंफर्म कि क्या उनको आवाज़ मेरी आ रही है सही से? थैंक यू उसामा फॉर कन्फर्मिंग कि वीडियो और ऑडियो दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मैं 2 से 4 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट करूँगा। 10 बजे का टाइम था, होपफुली थोड़े टाइम में कुछ ऑडियंस आ जाएगी और इंशाल्लाह हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सिर्फ बस इतना कन्फर्म करना था कि क्या क्लियरली सबको मेरी आवाज़ आ रही है। तो सामा आपने कंफर्म कर दिया है, थैंक यू। दो चार लोग अगर और कंफर्म कर दो सो वी विल प्रोसीड विद द सेशन सून। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। और आज जो मेन हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे FAR1 के कोर्स का पार्ट है। FAR1 का जो कोर्स है इसमें दो टॉपिक्स इस तरह के हैं कि जिससे पेपर जो है उसके अराउंड 25 मार्क्स कवर होते हैं। एक है हमारा रेशियोज़ का टॉपिक एंड एक टॉपिक है कॉस्टिंग के एरिया का। इन दोनों टॉपिक से एक एक मार्क्स जो है वो हमारे पास, एक एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में हमारे पास आता है। और इन टोटलिटी ये 22-25 मार्क्स का एरिया दोनों टॉपिक्स कवर करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आज के दिन में कॉस्टिंग के कुछ एरिया हाईलाइट कर दूं, स्पेसिफिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशंस एंड हाइलो मेथड्स। और फिर इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो हम रेशियोज़ भी जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसका सेशन भी रखकर और रेशियोज़ में भी जो जो कोर चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और जब हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इन FAR1 सिलेबस, हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। जब हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर 1 बाय बिहेवियर। सेकेंडली
हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं बाय फंक्शन। मैं पहले सारे के सारे टाइप्स लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। थर्डली, हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं एक कॉस्ट को क्लासिफाई इनटू अ प्रोडक्ट एंड अ पीरियड कॉस्ट। एंड फाइनली जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन हम कॉस्ट की कर सकते हैं वो है इनटू प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ ये याद रहे कि ये पांचों की पांचों क्लासिफिकेशंस हमारे सिलेबस में हैं, और रेगुलर क्लासेस में मैं इन पांचों क्लासिफिकेशंस का जिक्र कर चुका हूँ, इनकी एग्जांपल्स दे चुका हूँ। यहाँ पर मेरा इस सेशन का जो कोर फोकस होगा वो होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, यानी कि बाय बिहेवियर कॉस्ट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इन टोटेलिटी तो ये पांच तरीके हैं, लेकिन आज का हमारा कोर जो फोकस होगा वो होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर पर। अच्छा, जब हम बाय बिहेवियर कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो बिहेवियर का मतलब होता है रवैया, यानी कि हमारी कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से चेंज होती है। एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में अगेन हमारे पास जो बाय बिहेवियर टाइप्स आती हैं वो है, नंबर वन, हम किसी कॉस्ट को कह सकते हैं कि वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। सेकेंडली, हम ये कह सकते हैं कि भाई वो कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है। थर्डली, हम ये कह सकते हैं कि वो कॉस्ट इन दोनों कॉस्ट का एक तरह से मिक्सचर, यानी कि एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। या इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट के जो ऑल्टरनेट नाम है वो है सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। एंड लास्टली, हम ये कह सकते हैं कि कोई कॉस्ट होगी वो है एक स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन शॉर्ट हमने ये डिस्कस किया कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन की पांच टाइप्स, बाय बिहेवियर, बाय फंक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोडक्ट एंड पीरियड, एंड प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। और उसके बाद जब हम बाय बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो बाय बिहेवियर में इन अगेन चार अलग अलग बातें हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स्ड। नाउ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट। हम फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। जनाब, फिक्स कॉस्ट कोई भी ऐसा खर्चा है जिसके लिए हम एक बात कह सकें कि इट डज नॉट चेंज, दैट्स इट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा खर्चा जो चेंज नहीं होगा वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। किसके साथ चेंज ना हो, ये चेंज ना हो विद माई लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि जो यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ या जो यूनिट्स में बेच रहा हूँ उसके साथ। लेवल ऑफ एक्टिविटी इन इटसेल्फ कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स सोल्ड। अब हम इसकी एक मिसाल ले हैं और उससे जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम कर लो भाई कि एक कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, एक कार मैन्युफैक्चरर है और साथ में वो गाड़ियां बनाकर और वो गाड़ियां बेचता भी है, यानी कि ये कार सेलर भी है। बनाएगा गाड़ियां एक जगह और बेचेगा गाड़ियां दूसरी जगह। अब जहां पर ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगा वो एक फैक्ट्री होगी जहां पर वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा। और अगर हम एज्यूम कर लें कि भाई इसने ये फैक्ट्री जो है ना वो एक रेंट पर ली है, यानी कि ये फैक्ट्री का एक स्पेसिफिक रेंट पर पे कर रहा है, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, तो ये रेंट ऑफ फैक्ट्री जो है ये एक फिक्स्ड कॉस्ट होगी। रीजन बीइंग कि ये उस फैक्ट्री में जितनी भी गाड़ियां प्रोड्यूस कर ले उसको एक पर मंथ सेम अमाउंट पे करना होगा। वो उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ चेंज नहीं होगा,
यानी कि जितनी भी फैक्ट्री में गाड़ियां बना ले उससे उसका रेंट चेंज नहीं होगा, उसका रेंट उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो उस फैक्ट्री में एक महीने में 4 गाड़ियां बनाता है, 5 बनाता है, 50 बनाता है या 10 बनाता है। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि भाई वो गाड़ियां लाकर एक शोरूम से बेचेगा, अब शोरूम का भी एक रेंट हो सकता। ये जो रेंट ऑफ शोरूम है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस महीने में वो कितनी गाड़ियां बेचे। वो अगर शोरूम से एक गाड़ी बेचता है तो भी उसको सेम रेंट पे करना होगा, दो बेचता है तो भी उसको सेम रेंट पे करना होगा, तीन बेचता है तो भी उसको जो रेंट का अमाउंट पे करना होगा वो सेम अमाउंट पे करना होगा। यानी कि अगर हम और इसकी डिटेल में आए और रेंट ऑफ फैक्ट्री को जरा एनालाइज करें, लेट से कि जनवरी, फेब एंड मार्च 3 मंथ्स हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिट्स और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस्ट, यानी कि रेंट का अमाउंट। मिसाल के तौर पर एक महीने का फॉर सिंपलिसिटी रेंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। मैं अप्रैल का मंथ भी ऐड कर देता हूँ ताकि मैं यहीं पर अपनी एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लूँ। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री का एक महीने का यानी कि जनवरी का जो रेंट है वो 100 रुपये है, और ये कार मैन्युफैक्चरर जनवरी में एक गाड़ी बनाता है, इसको जो रेंट का अमाउंट पे करना होगा वो 100 रुपये ही करना होगा। फेब में लेट से ये 2 गाड़ियां बना लेता है, यानी कि इसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये ज़्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा है, इसको फिर भी उसका मंथली रेंट 100 ही पे करना होगा। मार्च में अगर ये 4 गाड़ियां और अप्रैल में ये अगर 8 गाड़ियां बना ले फिर भी इसको रेंट का अमाउंट एक सेम अमाउंट पे करना होगा। सो रेंट ऑफ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चाहे मैं जितनी ज़्यादा या जितनी कम गाड़ियां बनाऊं वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट अमाउंट रहेगा। अब जरा हम देख लेते हैं कि भाई हमारा फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ग्राफ किस तरह का होता है। दो ग्राफ्स बन सकते हैं फिक्स कॉस्ट के, एक ग्राफ जो है वो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का बनता है और एक बनता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। मेरा जो टोटल रेंट है एक महीने का वो 100 रुपये, ये मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है। एंड अगर मैं इसको यूनिट्स पर बांट दूं, यानी कि 100 रुपये का खर्चा मैं पे कर रहा हूँ एक गाड़ी बनाने के लिए, तो एक गाड़ी के हिस्से में 100 रुपये है। 100 रुपये का खर्चा अगर 2 गाड़ियाँ बनाने के लिए करूँ तो एक के हिस्से में 50 रुपये है। 100 का खर्चा अगर 4 गाड़ियाँ बनाने के लिए करूँ तो एक के हिस्से में 25, और 100 का खर्चा अगर 8 गाड़ियाँ बनाने के लिए करूँ तो एक के हिस्से में 12.5 रुपये। तो फिक्स कॉस्ट के दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक ग्राफ हमारा होगा यूनिट्स का और टोटल फिक्स कॉस्ट का, एंड एक ग्राफ हमारा होगा यूनिट्स का और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का, यानी कि ए एंड सी का। अब ये ग्राफ्स किस तरह के होंगे ये देख लेते हैं। जब हम फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो हम एक जगह पर यानी कि एक्स एक्सेस पर यूनिट्स और वाई एक्सेस पर लिख देते हैं कॉस्ट, और हम बनाते हैं अपना टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ अगेंस्ट यूनिट्स। मैं चाहे फैक्ट्री में 0 गाड़ियां बनाऊं, एक बनाऊं, दो बनाऊं, तीन बनाऊं, चार बनाऊं, जो भी कर लूं, मेरी जो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट होगी वो एक कांस्टेंट या सेम अमाउंट होगी, वो 100 रुपये की ही अमाउंट होगी, कभी भी वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास एक जगह पर आ रहे होंगे यूनिट्स और दूसरी जगह पर होगी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की अमाउंट। अब इस केस में, इस सिनेरियो में मैं अगर एक यूनिट बनाऊंगा तो जैसे कि हमने ऊपर देखा हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो 100 रुपये होगी। दो यूनिट्स पर ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आधी हो जाएगी, यानी कि 50 पर चली जाएगी। तीन पर सॉरी चार यूनिट्स पर ये 25 रुपये हो जाएगी, एंड 8 यूनिट्स पर ये कॉस्ट 12.5 रुपये हो जाएगी, यानी कि ये एक डिक्लाइनिंग ग्राफ होगा। तो ये दो तरह के हमारे फिक्स कॉस्ट के ग्राफ्स हैं, और एक ग्राफ जो है वो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का है, एक ग्राफ हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर। जब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि ऐसी कॉस्ट है दैट डज चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी।
यानी कि आप कम या ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे, उसके साथ ये कॉस्ट जो है वो चेंज करेगी, कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, कॉस्ट बढ़ेगी या कॉस्ट कम होगी। अच्छा, जब हम इस कॉस्ट की एग्जांपल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टायर्स, यानी कि वो कंपनी अगर गाड़ियां बनाती है तो गाड़ियों में टायर्स लगते होंगे और टायर्स की जो है ना वो एक स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। लेट्स से कि एक गाड़ी पर जो है वो टोटल टायर्स की जो कॉस्ट है वो है हमारी 25,000 रुपये, 25,000 रुपये पर कार। अब ये एक ऐसा खर्चा है या ये एक ऐसी कॉस्ट है कि जब मैं ज़्यादा गाड़ियां बनाऊंगा तो ज़्यादा टायर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एक्सपेंस होगा, कम गाड़ियां बनाऊंगा तो कम एक्सपेंस होगा और कम कॉस्ट इनकर होगी। अगेन फॉर एग्जांपल जनवरी, फेब और मार्च 3 मंथ्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स लिख देते हैं। लेट से जनवरी में मैंने 0 कार्स बनाई, फेब में मैंने एक गाड़ी बनाई और मार्च में मैंने 2 गाड़ियां बनाई, और मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ टायर्स पर कार, एक गाड़ी पर कितने के टायर्स लगते हैं, एंड मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। एक गाड़ी पे तो 25,000 रुपये के टायर्स लगते हैं। अब अगर मैं 0 गाड़ियां बनाता हूँ तो टायर्स की टोटल कॉस्ट होगी 0 × 25,000 विच इज़ 0। एक गाड़ी बनाऊंगा तो टोटल कॉस्ट 25,000 रुपीज़ होगी, एंड अगर 2 गाड़ियां बनाऊंगा तो टोटल कॉस्ट 50,000 रुपीज़ होगी। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगेन 2 ग्राफ्स बनेंगे हमारे वेरिएबल कॉस्ट के भी, एक हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा और एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जनाब यूनिट्स लिख देते हैं, यहाँ पर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हैं। अगर मेरे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है वेरिएबल वाली वो भी इंक्रीज होगी, यानी कि मैं जब 0 कार्स बना रहा हूँ तो मेरी टोटल जो कॉस्ट है वेरिएबल वो भी 0 है, क्योंकि अगर मैं गाड़ियाँ ही नहीं बना रहा तो मेरे टायर का एक्सपेंस नहीं हो रहा। एक गाड़ी पर कॉस्ट 25,000 है और 2 गाड़ियों पर कॉस्ट 50,000 है। सो इसका ग्राफ एक इंक्रीजिंग या अपवर्ड ट्रेंडिंग ग्राफ बनता है, जबकि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और यूनिट्स का ग्राफ बनाएं, एक जगह पर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखें और एक जगह पर हम यूनिट्स लिखें, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चाहे आप 0 गाड़ी बनाओ, चाहे 1 बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 3 बनाओ, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारी 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट कवर हो गई, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज माई स्टेप फिक्स कॉस्ट, जिसको हम पहले डिस्कस करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट से, इसलिए क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारा एक कोर पार्ट होगा जिसमें हमें वेरिएबल और फिक्स पोर्शंस को बाइफरकेट करना होगा, और हाइलो मेथड जो है वो आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। जब मैं स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ, स्टेप फिक्स कॉस्ट कोई भी ऐसी कॉस्ट होती है जो कुछ लेवल तक कॉन्स्टेंट रहे, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाए, फिर अगेन कॉन्स्टेंट रहे एंड फिर अगेन कुछ लेवल बाद इंक्रीज हो जाए ना, उसकी हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक नया नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और उस रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए मैंने एक सुपरवाइजर हायर किया। इस सुपरवाइजर का काम ये है कि ये वेटर्स को देखता जाए कि भाई वेटर्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। लेट्स से मैंने स्टार्ट में एक सुपरवाइजर रखा और उसकी तनख्वाह है 25,000 रुपये। मैंने एक सुपरवाइजर हायर कर लिया, उसको मैं 25,000 रुपये देता हूँ, एंड अब मैंने रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट किया, मैंने वेटर्स हायर किए। मेरे रेस्टोरेंट में एक वेटर था पहले, ये सुपरवाइजर उसको सुपरवाइज कर रहा था, देख रहा था, और वो वेटर बिल्कुल सही काम कर रहा था और सारा सिस्टम चल रहा था। कुछ टाइम बाद एक्सपेंशन हुई और मैंने एक और वेटर रखा, यानी कि नंबर ऑफ वेटर्स 2 हो गए, फिर भी वो सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज कर रहा है। 3 वेटर्स हो गए, फिर भी वो सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज कर रहा है। 4 वेटर्स हो गए, फिर भी वो सुपरवाइज कर रहा है। जैसे ही मैंने 5वां वेटर रखा तो इस सुपरवाइजर ने ये कहा कि भाई अब मेरे बस में नहीं है कि मैं इन सब का काम देख सकूं, आप एक और सुपरवाइजर हायर करो।
विच मीन्स कि मेरी सुपरवाइजर्स की सैलरी इन टोटेलिटी 50,000 पर चली गई, मुझे दो सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे, टू सुपरवाइजर वर्क। अब जब तक 5 या 6 या 7 या 8 वेटर्स होंगे तो ये दो सुपरवाइजर्स उनका काम देख रहे होंगे कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। एंड अगेन जैसे ही 9 वेटर्स होंगे तो ये दोनों सुपरवाइजर मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि आप एक और बंदा हायर करो, क्योंकि अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 9 वेटर्स का काम देखना। एंड अगेन 9, 10, 11 या 12 वेटर्स तक आपकी जो सुपरवाइजर्स की तनख्वाह होगी वो 75,000 होगी, क्योंकि पहले आपके पास एक, फिर आपके पास दो, एंड फिर आपके पास तीन सुपरवाइजर्स थे। नाउ ये हमारी स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाती है, इसलिए क्योंकि जब तक मेरे पास रेस्टोरेंट में वेटर्स जो हैं वो 1 से लेकर 4 है तो मेरी सुपरवाइजर्स की कॉस्ट 25,000 रुपये ही है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ वेटर्स इंक्रीज होकर 5 पर गए, 5, 6, 7 या 8 हो गए, तो ये सैलरी इंक्रीज होकर 50,000 पर चली गई। अगेन जैसे ही 8 के बाद ये मजीद इंक्रीज हुए 9, 10, 11 या 12 पर गए, तो ये हमारी अमाउंट 75,000 रुपये पर चली गई। सो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट कहा करते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है वो स्टेप्स में इंक्रीज होती है, एक क्वांटिटी तक सेम, उसके बाद जंप पे इंक्रीज होकर दोबारा कांस्टेंट, उसके बाद जंप पे इंक्रीज होकर दोबारा कांस्टेंट। ये मेरी स्टेप फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है। होपफुली आप सबको आवाज़ भी आ रही है, आप मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर दें काइंडली। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आप पूछ सकते हैं, और वरना मैं मज़ीद आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी अगली टाइप पर यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर अब आता हूँ, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं कि क्या होती है और उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, और फिर हम अपने सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर चलेंगे जो कि है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड विद इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। अच्छा, जब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोई भी ऐसी कॉस्ट होती है जिसका कुछ चंक या कुछ पोर्शन फिक्स्ड हो और कुछ पोर्शन जो है वो वेरिएबल हो। इसका मतलब ये कोई भी ऐसी कॉस्ट है जिसमें दोनों चीज़ें शामिल होंगी, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होगा, कुछ पोर्शन वेरिएबल होगा। मिसाल है हमारा के इलेक्ट्रिक का बिल। जब हम हमारे के इलेक्ट्रिक के बिल की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक के बिल के दो पोर्शंस होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक तो के इलेक्ट्रिक हमसे फिक्स्ड लाइन रेंट चार्ज करता है और एक वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हम कंज्यूम करें। लेट से एक हाउस होल्ड ने जनवरी के महीने में 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम किए और के इलेक्ट्रिक ने ये बोला हुआ था कि भाई हम आपसे 200 रुपये का लाइन रेंट लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स कंज्यूम करोगे हर यूनिट के अगेंस्ट हम आपको 10 रुपये चार्ज करेंगे। सो मेरा जनवरी का जो टोटल बिल होगा वो होगा 250। अगर मैं नेक्स्ट मंथ की बात करूं यानी कि फेब की बात करूं, एज्यूम कर लो कि फेब में इस हाउस होल्ड ने जो है वो 7 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम किए और के इलेक्ट्रिक जो है वो मुझे 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर रहा है। फिक्स लाइन रेंट तो मैंने पे करना ही करना है, यानी कि इस सिनेरियो में जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 270 रुपये। सो ये वाली जो कॉस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है, इसीलिए हम इस कॉस्ट को जो है वो सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या मिक्स कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस 250 रुपये में से 200 रुपये फिक्स्ड है और 50 रुपये जो है वो वेरिएबल है, और इसीलिए इस कॉस्ट को हम लोग एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड एंड कुछ हिस्सा वेरिएबल है। अब हमें अपने सिलेबस के कोर एरिया पर, इम्पॉर्टेंट एरिया पर जाना होगा जो कि है हमारा हाई लो मेथड। और हाई लो मेथड की हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हाई लो मेथड विद इन्फ्लेशन क्या है, विदाउट इन्फ्लेशन क्या है, हमें सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। और हाई लो मेथड के सवाल जो है वो पेपर में काफ़ी बार टेस्ट होते हैं, आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से रिग्रेशन और हाई लो मेथड के सवाल काफ़ी बार टेस्ट किया करता है आईकैट। तो हाई लो मेथड की जानिब चलते हैं। हाई लो मेथड को हम लोग बिल्कुल ही एक आसान जबान में स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हाई लो मेथड जो है वो किस तरह से काम करता है। अच्छा, हाई लो मेथड के लिए कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस है मेरे पास, जिसको सॉल्व कर कर हम
एडवांस लेवल पर भी चलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आज सॉल्व ज़रूर करेंगे, इंक्लूडिंग पास्ट पेपर के एक दो क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हम हाइलो मेथड से। हाइलो मेथड के लिए पहले हमें एक एग्जांपल खुद डेवलप करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दी हाइलो मेथड। नाउ एज्यूम कर लो कि भाई एक कंपनी की एक फिक्स्ड कॉस्ट है, और उस फिक्स्ड कॉस्ट की जो अमाउंट है वो है 100 रुपये, एंड इसकी एक वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जो अमाउंट है, यानी कि एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी जो अमाउंट है वो है लेट से 7 रुपीज। हम अपने पास 2 मंथ्स का डेटा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी एंड फेब, यूनिट्स लिखते हैं और टोटल कॉस्ट लिखते हैं। लेट्स से के जनवरी के मंथ में हमारे पास जो यूनिट्स थे वो थे 7 यूनिट्स, या मे बी चलो 5 यूनिट्स। हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 100 रुपीज़ की फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो तो लेवल ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करती ही नहीं है, आपने हर बार वो कॉस्ट अकाउंट फॉर करनी है। एंड जो आपने 5 यूनिट्स बनाए हैं उसके 7 रुपए के हिसाब से 35 रुपए, विच इज इन टोटेलिटी 135 रुपए। फैब की बात करते हैं, लेट से फैब में आपने 8 यूनिट्स बनाए, अगर आप फैब में 8 यूनिट्स बनाओगे तो आपने अगेन टोटल कॉस्ट में 100 रुपए फिक्स वाले पे करने करना है, एंड क्योंकि आप 8 यूनिट्स बना रहे हो तो 7 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से आपने एक वेरिएबल पोर्शन भी पे करना है, विच इज 7 × 8, विच इज 56। सो 56 एंड 100 इज 156 इन टोटल। ये हमने एक एग्जांपल डेवलप करी है। अब देखते हैं कि हमारा जो सवाल आएगा वो किस तरह का आएगा। हमारे पेपर में जो सवाल आता है उसमें वो इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो करता कुछ इस तरह से है कि वो एक सवाल देता है और उस सवाल में लिख देता है कि भाई कंपनी के एक यूनिट्स है, कंपनी की एक टोटल कॉस्ट है। वो कहता है कि भाई कंपनी ने जनवरी में और फेब में 5 और 8 यूनिट्स बनाए, और टोटल कॉस्ट जो थी ना वो 135 और 156 थी। और सवाल ये पूछता है कि आप बताओ भाई फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कितनी है, या वो पूछ लेता है कि भाई आप बताओ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है इसकी अमाउंट कितनी है। हमारे पास याद रखो कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो हमने एक एग्जांपल बनाने के लिए, सवाल बनाने के लिए ऊपर सारा डेटा लिखा था ना। हाँ, लेकिन हमें ज़रूर पता है कि हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे सवाल को, तो हमारा आंसर 100 फिक्स कॉस्ट के लिए और 7 वेरिएबल कॉस्ट के लिए होना चाहिए, ये हमें पता। तो अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि हाइलो मेथड पहले अप्लाई करेंगे और फिर उसकी लॉजिक देखेंगे कि आखिर हाइलो मेथड हमने जो अप्लाई किया उसको, हमने जब अप्लाई किया है तो उसके आंसर्स क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। आखिर हम हाइलो मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों आ जाती है, ये भी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट जो हाइलो मेथड है वो ये कहता है कि आप चेंज इन कॉस्ट को डिवाइड कर दो चेंज इन यूनिट से। जब आप ऐसा करोगे, जब आप चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि हम हाइलो मेथड अप्लाई करेंगे, अपने आंसर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर लॉजिकली देखेंगे कि आखिर हाइलो मेथड से चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर आ क्यों रहा। जब सवाल ये कहता है कि भाई हाइलो मेथड अप्लाई करो, तो आप 156 में से माइनस कर देते हो 135, इसको डिवाइड कर देते हो चेंज इन यूनिट्स यानी कि 8 - 5 से, और फिर अगर आप 156 में से माइनस कर दो 135 तो आपके पास 21 रुपये बचेगा, इसको डिवाइड करते हो आप 3 से, आपका आंसर आ जाता है 7 पर यूनिट। और आप ये कह देते हो कि भाई ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, हाइलो मेथड कहता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमें यह भी समझना है कि आखिर
इस तरह से मेरा जो आंसर आता है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों आ जाता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन चलो अगर आंसर आ गया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 आ गई तो हम फिक्स कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे? हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो मालूम हो गई। फिक्स कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक कॉस्ट पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जनवरी की टोटल कॉस्ट है, जनवरी की टोटल कॉस्ट है 135 रुपये। इस 135 में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट शामिल है और एक वेरिएबल कॉस्ट शामिल है 5 यूनिट्स की। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट मालूम करनी हो, मैं ये कर सकता हूँ कि इधर से मैं माइनस कर दूँ अपनी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ कितनी वेरिएबल कॉस्ट मैं माइनस करूँ? मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 7 रुपीज़ है और मैं जनवरी में 5 यूनिट्स बना रहा था, लिहाजा इस अमाउंट पे 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट शामिल है। तो मैं 7 × 5 यानी कि 35 रुपये माइनस करूंगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 100 रुपये की। लाइकवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप फैब की कॉस्ट पर काम करो। फैब की जो टोटल कॉस्ट है, फैब की टोटल कॉस्ट है 156। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट शामिल है 8 यूनिट्स की। तो मैं यहाँ से जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा वो 8 × 7, मैं 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा विच इज़ 56 और अगेन मेरा आंसर सेम आएगा विच इज़ 100। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक सा हाई लो मेथड अप्लाई होता है। अब हमें ये समझना है कि आखिर हाई लो मेथड जो हम ये अप्लाई करते हैं इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर आता क्यों है। और फिर हमें करने हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं अब जाने वाला हूँ एडवांस हाई लो मेथड पर जिसमें मैं इन्वॉल्व करूँगा इन्फ्लेशन और मैं अभी इसकी डेरिवेशंस भी बताने लगा हूँ। तो काइंडली अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप पहले पूछ सकते हो और मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, कोई इशू तो नहीं हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग में, ताकि अगर कोई इशू है तो मैं उस इशू को टाइमली रिजॉल्व भी कर सकूँ। होपफुली मेरी आवाज़ भी क्लियर है, होपफुली मैं आगे कंटिन्यू कर और अब हाई लो मेथड की डेरिवेशन पर भी जा सकता हूँ। और हाई लो मेथड की डेरिवेशन को ज़रा देखते हैं कि आखिर चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स मुझे जो आंसर देता है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों देता है, यानी कि इसकी डिटेल में जाना है। ठीक है जनाब, तो थैंक यू साथ कंफर्म करने के लिए। आगे इसको लेकर चलता हूँ और मैं वापस से अपना फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो हम करते क्या है, हम चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड करते हैं और हम बोलते हैं भाई हमारा आंसर आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये आंसर आया क्यों। जब मैंने चेंज इन कॉस्ट किया तो मैंने 156 में से 135 को माइनस किया। ज़रा एनालाइज करते हैं कि 156 में क्या था। जब मैं 156 की बात करता हूँ तो 156 कौन से महीने की टोटल कॉस्ट थी? 156 थी फैब की टोटल कॉस्ट। और अगर ये फैब की टोटल कॉस्ट थी, फैब में मैंने 8 यूनिट्स बनाए थे, लिहाजा इस 156 में दो चीज़ें थी। इस 156 में एक तो मेरे पास थी फिक्स्ड कॉस्ट, एंड जो दूसरी चीज थी वो थी मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स। ठीक है जनाब, दूसरी साइड पर क्या था, मैंने इसमें से माइनस किया 135। नाउ ये देखते हैं 135 में क्या है। थैंक यू अरम, थैंक यू, आपने कंफर्म किया कि क्लियर आवाज आ रही है। हमने 135 जो माइनस किया इसमें क्या क्या था ये देखते हैं। 135 में अगेन ये 135 की जो कॉस्ट है वो कौन से महीने की है, वो जनवरी के मंथ की है। तो अगेन उसमें एक फिक्स कॉस्ट थी और उसमें साथ साथ क्या था भाई, और उसमें साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट थी
और वो जो वेरिएबल कॉस्ट थी इसमें वो 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में मेरे पास 8 माइनस 5 यानी कि इफेक्टिवली 3 यूनिट्स थे। नाउ होता ऐसा है कि जब हम चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन यूनिट से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो हमने ऊपर से चीज़ देखी है, तो इससे मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो जितनी भी हो, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 25 रुपये हो, चाहे वो X रुपीज हो, उसमें से माइनस हो जाती है वही सेम अमाउंट, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 25 रुपये हो, चाहे वो 1 रुपये हो, यानी कि फिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाती है। और जब फिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो फिक्स कॉस्ट तो रहेगी नहीं, यानी कि यहाँ वाली ये जो अमाउंट थी इतनी ही अमाउंट माइनस हुई है यहाँ से, सो फिक्स कॉस्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। दूसरी साइड पर हमारे पास एक जगह है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स और एक जगह पर है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स, यानी कि एक जगह पर 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, एक जगह पर 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब मैं 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट में से 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो बचना क्या चाहिए, हमारे पास बचना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बचनी चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 यूनिट्स आ रहे हैं। सो इफेक्टिवली अगर आप 3 यूनिट्स के खर्चे को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही आनी चाहिए। इसलिए हाइलो मेथड में चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट से हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है। हाइलो मेथड अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे हाइलो मेथड से आखिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर आता क्यों है। हमें ये पता होना चाहिए, हमें लॉजिक पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब वो क्वेश्चंस बहुत घुमाता है और आपके पास हाइलो मेथड के सवाल में भी आपकी लॉजिक क्लियर नहीं होगी, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता। सो दिस इज़ दी लॉजिक बिहाइंड हाइलो मेथड, कि जब आप चेंज इन कॉस्ट करते हो तो एक चीज़ दूसरे को कैंसल आउट करती है, किस तरह से करती है, बचता है तो क्या बच जाता है, दिस इज़ इट। अब हम ज़रा और मुश्किल चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं इसमें। अगेन हम अपने पास वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने अभी पहले किया। हमने क्या किया, हमने भाई पहले एक एग्जाम्पल बनाई, एग्जाम्पल से हमने जो है सवाल बनाया और फिर हमने एग्जाम्पल को काट दिया, हमने बोला ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, और फिर उससे रिवर्स वर्किंग करके देखा कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं और लॉजिकली सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। तो इसी तरह के कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और अब हम सवालों की तरफ चलते हैं और साथ साथ सवाल सॉल्व करते करते चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आसान से हाइलो मेथड से शुरू कर कर और मुश्किल से मुश्किल हाइलो मेथड पर इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे ताकि आपके जितने भी पेपर के सवाल हैं वो सॉल्व हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है और इसमें जो बात लिखी हुई है वो ये है कि जनवरी के मंथ में आपने 5 यूनिट्स बनाए और आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 150 रुपये। फेब में आपने 10 यूनिट्स बनाए, आपको ये मालूम नहीं है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितने रुपए है। और सवाल कह रहे हैं कंप्यूट कॉस्ट फॉर फेब, फेब की आपको कॉस्ट कंप्यूट करनी है। प्रोवाइडेड दैट फिक्स कॉस्ट फॉर जनवरी वाज 100, जनवरी की फिक्स कॉस्ट थी और वो 100 रुपये थी, ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वॉज 10 और जो जनवरी की आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वो 10 रुपये थी। दो चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है, आपको कंप्यूट करना है अपने फैब के मंथ की टोटल कॉस्ट के अमाउंट, ठीक है जनाब। तो अगर इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, आगे लिखते हैं ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट देयर वाज अ 10% इन्फ्लेशन बिटवीन दीज 2 मंथ्स। अब देखो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन एक जनरल महंगाई है और इन्फ्लेशन की वजह से याद रखो कि आपकी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो जब हम अपने फैब के मंथ की टोटल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, हमारे पास फेब के मंथ में एक फिक्स कॉस्ट की अमाउंट होगी, जनवरी की फिक्स कॉस्ट थी 100 रुपये, फेब की 100 रुपये नहीं होगी, फेब की फिक्स कॉस्ट है वो 10% ज़्यादा होगी, विच इज़ 110। जब हम फेब की वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, अगेन हमारे पास जनवरी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 है,
फैब की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 10 नहीं होगी, बल्कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। वाई? इसलिए क्योंकि 10% इन्फ्लेशन आई है, इन्फ्लेशन की वजह से फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कॉस्ट इंक्रीज होती है। सो 10 × 1.1 यानी कि हमारी फैब की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो हो जाएगी 11। और हमने फैब में यूनिट्स कितने बनाए? हमने फैब में 10 यूनिट्स बनाए। सो हमारी टोटल जो कॉस्ट होगी वो 110 होगी वेरिएबल वाली, फिक्स भी 110 होगी। इन दोनों का सम जो बनता है वो बनता है 220 रुपये। सो दिस इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 220 रुपये जो है वो फैब की टोटल कॉस्ट की अमाउंट आएगी। फैब की जो टोटल कॉस्ट है वो 220 रुपये होगी। ठीक है जनाब, ये हमने पहला सवाल सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो है वो पहले का ही रिवर्स है, यानी कि मैंने किया कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो मेरा पहला सवाल था उसी से मिलता जुलता मैंने दूसरा सवाल बनाया है। लेकिन पहले सवाल में हमने जो है जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी, दूसरे सवाल में वो वैल्यू दी हुई है और उसकी रिवर्स वर्किंग कर हमें कुछ अमाउंट्स मालूम करना है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि जनवरी में 5 यूनिट्स बनाए 150 की कॉस्ट थी, फेब में 10 यूनिट्स बनाए 220 की कॉस्ट थी। इफेक्टिवली ये जो वैल्यू हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट की है ये मैंने यहाँ पर दी है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन जनवरी। जनवरी की आपको वेरिएबल और कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है। प्रोवाइडेड दैट देयर वाज अ 10% इन्फ्लेशन बिटवीन बोथ मंथ्स, और दोनों महीनों के बीच में जो है वो हमारी 10% इन्फ्लेशन थी। 10% चीज़ें महंगी हुई थी, 10% महंगाई आई थी। अगर हम हाइलो मेथड अप्लाई करें तो ये याद रखना कि अगर विद इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चंस हो तो आपको पहले हाइलो मेथड को जो है हाइलो मेथड लगाने से पहले जो है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रिवर्स करना होगा। इस 220 में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट शामिल होगा। इस 220 की जो भी फिक्स कॉस्ट होगी वो 10% ज़्यादा होगी, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो भी 10% ज़्यादा होगी। तो पहले आप इसको रिवर्स करने के लिए डिवाइड करोगे 1+ इन्फ्लेशन रेट से, और जब ऐसा करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आई हुई इन्फ्लेशन और फिक्स कॉस्ट में आई हुई इन्फ्लेशन दोनों रिवर्स बैक हो जाएंगी। एंड रिवर्स बैक होने का मतलब ये है कि अब हम उस प्राइस लेवल पर आ गए हैं जो जनवरी में अप्लाई होता था। अब हम अपना हाइलो मेथड अप्लाई करेंगे और हम लिखेंगे चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स, यानी कि 200 - 150 डिवाइडेड बाई 10 - 5, विच इज 10 पर यूनिट। एज डिस्कस्ड हमारे पास इस मेथड से जो आंसर आता है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, और क्योंकि हम इन्फ्लेशन रिवर्स कर चुके हैं तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आया है हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब हम मालूम करते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट। जब हम फिक्स कॉस्ट पर आएंगे तो फिक्स कॉस्ट के लिए कुछ हम ऐसा करेंगे कि जनवरी की हमें टोटल कॉस्ट पता है 150, इसमें से हम माइनस कर देते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट। हमने जनवरी में 5 यूनिट्स बनाए थे और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, तो 5 × 10 हम माइनस करते हैं एंड हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 100 रुपये। ठीक है जनाब, तो इस तरह से हम अपनी जनवरी की कंप्यूटेशंस कर सकते हैं और ये दोनों आंसर्स ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बना है पिछले वाले सवाल से ही बना जिसमें हमारे पास ये दोनों आंसर्स मौजूद थे, दोनों आंसर्स आ रहे थे। मूविंग टू मोर कॉम्प्लेक्स केसेस, क्वेश्चन नंबर 22। जनवरी में 5 यूनिट्स बनाए 150 की कॉस्ट है, सेम डेटा एज द अबव क्वेश्चन। फेब में 10 यूनिट्स बनाए, टोटल कॉस्ट 220 है, सेम डेटा एज अबव। मार्च में आपने 2500 फेब यूनिट्स बनाए, यानी कि मार्च में आपने जो यूनिट्स बनाए होंगे वो होंगे आपके 20 यूनिट्स। आपको मार्च की कॉस्ट मालूम करनी है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन जनवरी प्रोवाइडेड दैट देयर वाज अ 10% इन्फ्लेशन बिटवीन जनवरी एंड फेब। नाउ यहां तक का जो पार्ट है ये रिपीट है ऑफ द पार्ट दैट वी जस्ट सॉल्व। जो 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 पार्ट हमने अभी अभी सॉल्व किया है उसी का रिपीट है। तो जनवरी का जो अमाउंट होगा वो तो 110। ठीक है, अब आगे कहता है फर्दर मोर ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट इन मार्च। मार्च की मुझे टोटल कॉस्ट कंप्यूट करनी है।
इफ देर विल बी अ 20% इन्फ्लेशन बिटवीन फेब एंड मार्च, अगर फेब और मार्च के बीच में जो है वो 20% इन्फ्लेशन हो, तो फिर हमें मालूम करना है कि भाई मार्च की कॉस्ट कितनी होगी। इसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम पहले मार्च की कैलकुलेट कर लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम मार्च की फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास जनवरी के मंथ की फिक्स कॉस्ट है 100 रुपये, ये हमें मालूम है। जनवरी और फेब के बीच में 10% इन्फ्लेशन आई है, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.1 से ताकि मेरे पास फेब की फिक्स कॉस्ट आ जाए। और फिर फेब और मार्च के बीच में अगेन 20% इन्फ्लेशन आई है, तो इसको मजीद मल्टीप्लाई करना होगा 1.2 से। सो अगर हम ऐसा करेंगे, यानी कि 100 हमारे पास जनवरी की कॉस्ट थी, हमने इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम फेब पे पहुंच जाए, और फिर फेब से हमें जब मार्च पे पहुंचना था तो हमने इसको दोबारा से 1.2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फेब और मार्च के बीच में 20% इन्फ्लेशन है, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 132। ठीक है जरा। अच्छा, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ यूनिट्स से। मार्च में आपने यूनिट्स तो 20 बनाया, लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, उसको मालूम करने के लिए आप ये देख लो कि आपकी जनवरी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी। जनवरी की वेरिएबल कॉस्ट थी 10 रुपये। जनवरी और फेब के बीच में 10% इन्फ्लेशन 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 रुपीज़ फेब की हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और अगेन इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो फेब और मार्च के बीच में इन्फ्लेशन आई है वो भी अकाउंट फॉर हो जाए, एंड ये हमारा जो आंसर बनेगा वो बन रहा होगा 132 अगेन। सो मेरे पास जो मार्च की टोटल कॉस्ट होगी वो इन दोनों का एडिशन, विच इज 264। ठीक है जनाब, अब हम मूव करते हैं पास्ट पेपर के एक क्वेश्चन पर, एक अच्छे क्वेश्चन पर। पास्ट पेपर्स का एक पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है और इसमें यही सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो इस सवाल को रीड कर लें, और उसके बाद फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं 2 मिनट बाद इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आप इस सवाल को अच्छे से अपने पास नोट ज़रूर कर लें और देख लें, एक बार रीड कर लें, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आप एक बार इस सवाल को देख लें, ठीक से रीड कर लें, उसके बाद मैं रीड करूंगा और फिर हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। मीनवाइल कोई अगर कंफर्म कर दे कि सबको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है तो बहुत बेहतर होगा, ताकि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट बीच में आया हो तो मैं उसको करेक्ट आउट कर सकूं। होपफुली मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है, और मैं इस सवाल को अब सॉल्व करना 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। थैंक यू हमजा कंफर्म करने के लिए। आप लोग 2 मिनट में ये सवाल पढ़ लें ताकि फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दें। ये पास्ट पेपर का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है, और अब मैं जो है ज़रा इसको रीड आउट करता हूँ, रीड कर कर फिर इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व करते हैं, और हम देखते हैं कि भाई ये सवाल क्या कहता है। आप लोग भी, मैं चाहूँगा कि पेपर पेन वगैरह साथ में रखें ताकि साथ साथ इस सवाल को आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो, और ये इन्फ्लेशन के साथ का सवाल है। रिसेंट अटेम्प्ट में ऐसा सवाल आया नहीं है कि जिसमें इन्फ्लेशन के साथ हाइलो मेथड जो है इतना ज़्यादा टेस्ट हुआ हो। अच्छा जनाब, सवाल कहता है टोटल सर्विस लिमिटेड
कंडक्ट्स मार्केट रिसर्च सर्वेस फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स। कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और उनके लिए ये कुछ सर्वे जो है वो कंडक्ट करती है कंपनी। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोस। अब कुछ जो है वो रिकॉर्ड्स दिए हैं, 2003 की कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं और उसके बाद 2004 की कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं। 2003 में हमारे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है 6 मिलियन रुपए, जबकि 2004 में जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू है वो है 6.615 मिलियन रुपीज़। इसके बाद लिखते हैं एक्टिविटी इन 2004। नाउ एक्टिविटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने भी वो कंपनी यूनिट्स बना रही होगी उसको उसने एक्टिविटी का नाम दिया। जो 2004 की एक्टिविटी है वॉज 20% ग्रेटर देन इन 2003। अब इस सवाल की स्पेशल बात यह है कि इस सवाल ने ना तो मुझे ये बताया कि 2003 में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, ना इसने ये बताया कि 2004 में कितने यूनिट्स बन रहे हैं। बस इसने ये बता दिया कि 2003 से 2004 में 20% यूनिट ज़्यादा बने थे एंड देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 5% इन जनरल कॉस्ट। जब भी आपका सवाल आपको बोलता है कि भाई जनरल कॉस्ट का इंक्रीज है और वो इंक्रीज जो है वो 5% है, तो उसका मतलब ये हो गया कि दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, मेरी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है और मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है। जनरल कॉस्ट इज सेम एज इन्फ्लेशन। ठीक है जनाब, तो पहले सेंटेंस में इसने सारी की सारी बात कर ली है हमारी 2003 और 2004 के साल के बीच की। सेकेंड सेंटेंस में कहता है एक्टिविटी इन 2005 इज एक्सपेक्टेड टू बी 25% ग्रेटर देन 2004। अब वापस से हमें ये बताया ही नहीं है कि 2003 में कितने यूनिट्स बनाए, 2004 में कितने यूनिट्स बनाए, 2005 में कितने यूनिट्स बनाए। बस कहता है कि भाई आपने 2005 में जो यूनिट्स बनाए वो 2004 के यूनिट से 25% ज़्यादा थे, कितने थे कितने नहीं थे ये मैं नहीं बता रहा हूँ। एंड जनरल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4%। और अगेन जो इन्फ्लेशन आई है इन महीनों के दौरान उसकी अमाउंट दे दी है भाई कि इन सालों के दौरान वो है 4%। और इन्फ्लेशन का अगेन जो इम्पेक्ट है वो यही है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी जो फिक्स कॉस्ट है दोनों इन सालों के बीच में इंक्रीज होगी। रिक्वायर्ड डिराइव द एक्सपेक्टेड वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फॉर 2005। आपको 2005 की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट बतानी है। ठीक है जनाब। अच्छा अभी हमने एक रूल डिफाइन कर लिया था कि अगर मुझे हाइलो मेथड लगाना है तो मुझे अपनी इन्फ्लेशन के इम्पेक्ट को रिवर्स कर कर फिर हाइलो मेथड अप्लाई करना होता है। और अगर ऐसा है तो 6.615 में इन्फ्लेशन शामिल है, क्योंकि ये जो 6.615 है ये 2004 के साल की अमाउंट है। 2003 और 2004 के बीच में इन्फ्लेशन आई है और वो इन्फ्लेशन जो है वो 5% है। तो पहले तो हम इस इन्फ्लेशन को जो है वो रिवर्स बैक करेंगे, इस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटाएंगे। हम करेंगे ये कि हम 6.615 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 1+ इन्फ्लेशन रेट यानी कि 1.05 से। हाइलो मेथड लगाने से पहले हम इस इन्फ्लेशन को रिवर्स कर देंगे और 6.615 डिवाइडेड बाय 1.05 का अमाउंट जो है वो बनता है 6.3 मिलियन, विच इज 6300000। अब इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है और ये 2003 के लेवल पर आ चुकी है चीज़। अब सवाल ये आता है 2003 में हमें ये नहीं बताया उसने कि आपने कितने यूनिट्स बनाए थे, तो आप एज्यूम कर लो कि आपने एक्स यूनिट्स बनाए थे। नहीं पता कितने यूनिट्स बनाए थे, एज्यूम करो कि एक्स यूनिट्स बनाए थे। 2004 के जब यूनिट्स कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि वो 20% ज़्यादा है तो वो होंगे एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, विच इज 1.2x। 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा होने का मतलब 1.2x पे हम चलेगा। ठीक है। अच्छा 2005 की भी बात कर लेते हैं। 2005 में जो यूनिट्स हैं वो 25% ज़्यादा हैं 2004 से, और 25% ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि 2005 के जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो होंगे 1.2x जो कि 2004 के हैं, प्लस इसी का 25%, इसी का 25% यानी कि 25% इंटू 1.2x। सो 1.2 का जो 25% बनता है वो है 0.3, और 0.3 और 1.2 इज
1.5x। ठीक है जनाब, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स 2003 के, 2004 के, 2005 के। अब हम अप्लाई करते हैं अपना हाइलो मेथड। हाइलो मेथड क्या कहता है? हाइलो मेथड कहता है भाई चेंज इन कॉस्ट को डिवाइड कर दो चेंज इन यूनिट से, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। विदाउट इन्फ्लेशन 2004 की जो कॉस्ट थी वो 6.3 है। हम हाइलो मेथड अगर लगाएंगे तो हम करेंगे 6300000 2004 की कॉस्ट माइनस 2003 की कॉस्ट यानी कि 6000000। ये चेंज इन कॉस्ट है डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स। चेंज यूनिट्स में 2004 के जो यूनिट्स हैं वो 1.2x हैं और साल 2003 के जो यूनिट्स हैं वो x हैं। सो ये सॉल्व होकर आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.2x, और जब मैं 3 लाख को डिवाइड कर देता हूँ 0.2 से तो ये बन जाता है 1.5 मिलियन ओवर x। और ये क्या है भाई? ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2003 की। सर लेकिन ये तो इन टर्म्स ऑफ एक्स आई है, कोई मसला नहीं है, लेकिन है ये साल 2003 की कॉस्ट। अच्छा, 2003 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आई है। हम क्या करेंगे अब? अब हम मालूम कर लेते हैं 2003 की फिक्स्ड और 2003 की वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। देखो 2003 की जो टोटल कॉस्ट है ना वो 6 मिलियन है। 2003 की जो टोटल कॉस्ट है वो 6 मिलियन है। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों पोर्शंस शामिल है। हम इसमें से अगर वेरिएबल पोर्शन हटा दें तो हमारा फिक्स पोर्शन बच जाता है। हम जरा इसकी कुछ वर्किंग करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई 2003 की जो टोटल कॉस्ट है वो है 6 मिलियन। इस 2003 की टोटल कॉस्ट में से लेस कर देते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका अप्लाई होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 2003 की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हमने मालूम कर ली है 1.5 मिलियन अपॉन एक्स, और 2003 के जो यूनिट्स हैं वो हैं एक्स, विच मीन्स के 2003 की वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट होगी 1500000 ओवर एक्स यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास बच जाएगा 1.5 मिलियन। इस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है, उसमें से तुम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो पीछे बच जाती है हमारी फिक्स कॉस्ट विच इज 4.5 मिलियन। ठीक है, और ये है 2003 की फिक्स्ड कॉस्ट। सो हमने 2003 की फिक्स्ड कॉस्ट भी मालूम कर ली, 2003 की टोटल कॉस्ट में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, हमारे पास जो बच गया अमाउंट वो थी हमारी 2003 की फिक्स कॉस्ट। नाउ अब हम अपने सवाल पर आते हैं विच इज वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फॉर 2005। तो ज़रा मैं इसको क्लियर स्क्रीन पर काम करता हूँ। 2005 की हमें वर्किंग्स करनी थी, 2005 की हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चाहिए थी। हमारे पास साल 2003 की फिक्स कॉस्ट है 4.5 मिलियन। दो हज़ार तीन और 2004 के बीच में इन्फ्लेशन आई है और इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है 2003 और 2004 के बीच में वो है 5%। एंड एज डिस्कस्ड इन्फ्लेशन की वजह से मेरी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट इंक्रीज होती हैं। देयरफॉर 2003 की जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है इसको अगर मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा ये कि ये कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाएगी और ये कॉस्ट 2004 के साल पर पहुंच जाएगी। फिर 2004 से 2005 पर आने के लिए अगेन 2004 और 5 के बीच में एक इन्फ्लेशन आई थी और वो इन्फ्लेशन थी 4%।
सो 2004 से 2005 पर इस फिक्स कॉस्ट को पहुंचाने के लिए मुझे अगेन इसको 1.04 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1.04 इंटू 1.05 विच इज 4914000। ये मेरी 2005 की फिक्स कॉस्ट है। अब इसमें हमें ऐड करनी है अपनी 2005 की वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगेन हम कैलकुलेट करते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नंबर ऑफ यूनिट से। इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। 2005 में हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो मालूम करते हैं। 2003 की वेरिएबल कॉस्ट ये रही। 2003 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 1500000 अपॉन एक्स। 2003 और 2004 के बीच में 5% इन्फ्लेशन है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5% से इंक्रीज। 2004 और 2005 के बीच में अगेन 4% इन्फ्लेशन है, इसीलिए 1.04 से इंक्रीज। ये आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द मंथ ऑफ सॉरी फॉर द ईयर 2005। नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है हमें नंबर ऑफ यूनिट से। 2005 में हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 1.5x हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे, और इसको 1.5x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा 1.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1.05 इंटू 1.04 इंटू 1.5 विच इज 2457000। एंड अब हम इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। सो ये बनेगा 4914000 और 2457000, यानी कि 7371000। ठीक है, 1.5 मिलियन 1.04 इंटू 1.0। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक हमने एक सवाल भी सॉल्व कर लिया, और अब हम रीसेंट एक पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों की क्वेरीज भी इंटरटेन करूँगा। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो किसी और पार्ट को भी हम इस चैप्टर से डिस्कस कर सकते हैं, इवन रेशियोज़ का चैप्टर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत ही शॉर्ट बेसिस पर मैंने अरेंज किया था। तो होपफुली मैं एक आधे दिन में दोबारा से इस तरह का एक सेशन फॉर रेशियोज़ भी रखूँगा, क्योंकि रेशियोज़ भी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके FAR1 के सिलेबस का। तो अब हमें जो है अपने रीसेंट पास पेपर के सवाल पर आना है। रीसेंट सवाल देखते हैं एक जो हाइलो मेथड से पर्टेन करता हो, और रीसेंट सवाल जो है वो पिछली ही कुछ अटेम्प्ट पहले ही का आया हुआ एक सवाल है, और इसमें बच्चों की काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि एग्जामिनर ने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ या हाईएस्ट और लोएस्ट यूनिट्स क्यों नहीं लिए हाइलो मेथड अप्लाई करने के लिए। हाइलो मेथड अगर अप्लाई करना था तो उसके लिए एग्जामिनर ने 20,000 और 90,000 वाली कैटेगरी क्यों नहीं ली। तो इस सवाल को अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ठीक 2 मिनट में। चलें इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा पर्टेन्स टू अल खैर लिमिटेड AKL। AKL एक कंपनी है और उस कंपनी का एक डेटा दिया हुआ है, और सवाल में हमारे पास प्रोडक्शन के कुछ यूनिट्स हैं और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट की अमाउंट्स हैं। अगेन यूनिट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट की अमाउंट है, यूनिट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट की अमाउंट्स हैं, एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। AKL has identified that total fixed cost increase by 20% when production exceeds 35,000 units. जब आप 35,000 units की boundary को cross करते हो तो आपकी fixed cost 20% से बढ़ जाती है। अब हम दो columns बना लेते हैं साथ साथ, एक बनाते हैं हम अपना fixed cost का column। एज्यूम कर लो कि 20,000 यूनिट्स की लेवल ऑफ एक्टिविटी पर जो फिक्स कॉस्ट थी वो है एक्स,
जब मैं 35,000 यूनिट्स की बाउंड्री को क्रॉस करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट 20% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 40,000 पर, 70,000 पर और 90,000 यूनिट्स पर मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी 1.2x, 20% ज़्यादा। अच्छा, साथ में हम बात कर लेते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की। आगे लिखते हैं, दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट्स इंक्रीजेस बाय 5% इफ प्रोडक्शन एक्सीड्स 75,000 यूनिट्स। अगर आप 75,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो इंक्रीज होकर 5% से बढ़ जाएगी। ना एज्यूम कर लो कि भाई आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वो यहाँ पर वाई थी। जैसे ही आप 70,000 यूनिट्स वाली बाउंड्री को क्रॉस करोगे, क्योंकि ये 75,000 से ज़्यादा है ऊपर वाले 90,000 यूनिट्स, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5% से इंक्रीज होगी। यहाँ पर 1.05 वाई, यहाँ पर वाई होगी, यहाँ पर अगेन वाई होगी, लेकिन जैसे ही आप 75,000 यूनिट्स को क्रॉस करोगे तो ये कॉस्ट 1.05 वाई हो जाएगी, 5% ज़्यादा हो जाएगी। अब हम जब हाइलो मेथड लगाते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट से कैंसल आउट हो एज डिस्कस्ड अर्लियर, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जो है वो सेम लेवल पर हो। लिहाजा एग्जामिनर ने जो हाइलो मेथड अप्लाई किया है वो इन वैल्यूज़ पर अप्लाई किया है, 70,000 और 40,000 पर अप्लाई किया है, क्योंकि 70 और 40,000 की जो लेवल है उस पे हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बराबर है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाई है और जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों को कैंसल आउट करना चाहिए एज डिस्कस्ड अर्लियर, तो वो दोनों जगह पर सेम है। अब अगर मैं इधर हाइलो मेथड अप्लाई करता हूँ, विच इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स, तो मैं 4,590,000 में से माइनस कर दूंगा 4,40,000 और इसको डिवाइड कर दूंगा चेंज इन यूनिट से, विच इज 70,000 माइनस 40,000। इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि वाई की वैल्यू 590,000 माइनस 440,000 डिवाइडेड बाई 70 माइनस 40,000 विच इज 30,000। तो हमारा आंसर आएगा 5, और ये 5 है हमारे वाई की वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर मैं 75,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बनाता हूँ तो मेरी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 5% से इंक्रीज होगी, तब कितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर 5% ज़्यादा होगी तो 5 को 1.05 से मल्टीप्लाई करो, मेरी उस वक्त की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी 5.25। तो ये हमने अपनी दोनों वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर ली। अब हम आते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट पर। जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो मालूम इस तरह से कर सकते हैं हम कि जब 5,90,000 रुपये मेरी टोटल कॉस्ट थी, उस टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल है, मैं 5,90,000 में से 70,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ। मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5 रुपये, 70,000 यूनिट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 70,000 × 5। 70,000 × 5 कितना बनता? 3.5 लाख। 5,90,000 में से माइनस कर दो 3.5 लाख, 2,40,000। ये वेरिएबल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट बच जाती है, और फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 रुपये। अच्छा, ये याद रहे कि ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जो अप्लाई होगी जब मैं 70,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, यानी कि ये 1.2x की वैल्यू है, ये 1.2x के बराबर है। 1.2x वो वाली फिक्स कॉस्ट थी जब ये 20% बढ़ गई थी, जब मैं 35,000 को क्रॉस कर चुका था। सो मेरी जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1.2। 2,40,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1.2 से तो ये आता है 2 लाख रुपए। ठीक है जनाब, 2 लाख रुपए मेरे एक्स की वैल्यू है।
अब मैं देख लेता हूँ कि सवाल क्या कहते हैं। सवाल ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट टोटल कॉस्ट फंक्शंस। टोटल कॉस्ट फंक्शंस होते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सवाल मुझसे ये टोटल कॉस्ट के फंक्शंस पूछ रहा है। सवाल मुझसे ये पूछ रहा है कि ये वाले फंक्शंस बताओ टोटल कॉस्ट के फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रेंजेस यूजिंग हाई लो मेथड। हाई लो मेथड तो हमने अप्लाई कर लिया। डिफरेंट प्रोडक्शन रेंजेस के लिए ये हम फंक्शंस कैसे बनाएंगे ये हम देख लेते हैं। हमें ये पता है कि भाई हमने अपनी एक्स की वैल्यू भी ढूंढ ली है 2 लाख रुपए। हमने अपनी 1.2x की वैल्यू भी ढूंढ ली है 2,40,000 रुपये। यानी कि एक फिक्स कॉस्ट तो मेरी 2 लाख रुपए है जब मैं 35,000 से कम यूनिट्स बना रहा हूँ। जब मैं 35,000 की बाउंड्री को क्रॉस करूंगा तो एज पर सवाल का डेटा मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 20% से इंक्रीज होगी और 2,40,000 रुपये होगी। ठीक है, ये तब अप्लाई होगा जब मैं 35,000 से ज़्यादा यूनिट्स बना रहा हूँ। और फिर हमने वाई और 1.05 वाई की वैल्यू भी ढूंढ ली है। अगर मैं 75,000 या उससे कम यूनिट्स बनाऊँ कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 5 होगी। और मैं जब 75,000 को क्रॉस कर दूंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5.25 होगी। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें कॉस्ट के फंक्शंस बनाने हैं। अगर हम कॉस्ट के फंक्शंस बनाएंगे तो हमारे 3 कॉस्ट के फंक्शंस बनेंगे। फंक्शन नंबर 1 जो है उसकी जो एप्लीकेबल रेंज होगी यानी कि जहाँ से जहाँ तक वो अप्लाई होगा वो एप्लीकेबल रेंज होगी 0 यूनिट से 35,000 यूनिट्स। मैं 0 यूनिट्स बनाऊंगा उससे लेकर 35,000 यूनिट्स तक मेरा एक स्पेसिफिक फंक्शन अप्लाई होगा। और 35,000 यूनिट्स को जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज होती है। लिहाजा मेरा जो फंक्शन होगा टोटल कॉस्ट का वो होगा माई फिक्स कॉस्ट। जब मैं 0 और 35,000 के बीच में यूनिट्स बनाता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि 5 रुपए है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सेकंड जो मेरा फंक्शन अप्लाई होगा वो होगा 35,000 एक यूनिट के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं 35,000 यूनिट्स की बाउंड्री को क्रॉस करता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है। अब ये फंक्शन अप्लाई होगा 75,000 तक इसलिए क्योंकि जैसे ही 75,000 यूनिट्स मैं क्रॉस कर जाता हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है। ये नया फंक्शन होगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू हमारी नई वाली फिक्स कॉस्ट जो कि होगी 2,40,000 प्लस मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो अभी भी 5 रुपए है 5 × यूनिट्स। एंड फाइनली जब मैं 75,000 यूनिट्स को क्रॉस करूंगा टिल इन्फिनिटी क्योंकि कोई अपर लिमिट नहीं दी है तो मेरा जो फंक्शन होगा टोटल कॉस्ट का वो होगा 2,40,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट प्लस अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी जो कि है 5.25 × नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये मेरे 3 फंक्शंस बनेंगे जो पार्ट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड पार्ट जो है उस पर आते हैं। हमने अपना पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। पार्ट नंबर 2 बोलता है डिटरमाइन द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन इफ ए के एल कैन सेल 25,000 55,000 या 80,000 यूनिट्स एट 20, 17 और 13 रुपए। यानी कि क्या कंपनी को 25,000 यूनिट्स बेचने चाहिए? अगर कंपनी 1 यूनिट 20 का बेच सकती है, क्या कंपनी को 55,000 यूनिट्स बेचने चाहिए या क्या कंपनी को 80,000 यूनिट्स बेचने चाहिए अगर वो 17 या 13 रुपए में यूनिट्स बेच सकती है। सो मैं पहली वाली वर्किंग करता हूँ अपनी। अगर कंपनी 25,000 यूनिट्स बेचेगी तो कंपनी उन यूनिट्स को 20 रुपए के हिसाब से बेच सकती है। और अगर कंपनी 25,000 यूनिट्स बेचेगी तो कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 25,000 × 20 यानी कि 5 लाख रुपए। और अगर कंपनी 25,000 यूनिट्स बेचती है तो कंपनी की जो कॉस्ट का फंक्शन है वो ये वाला अप्लाई होता है जो कि पहली रेंज में फॉल कर रहा है जो कि जिससे हम अगर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मल्टीप्लाइड बाय 25,000 यूनिट्स प्लस 2 लाख रुपए। ये मिल मिलाकर होते हैं 3,25,000 रुपये और प्रॉफिट आएगा 1,75,000। अच्छा, अगर कंपनी सेकेंड वाला ऑप्शन ऑप करे, कंपनी का सेकेंड ऑप्शन ये था कि कंपनी जो है वो
55,000 यूनिट बेचे और उस केस पे कंपनी का एक यूनिट 17 रुपए का बिकेगा, तो अगर कंपनी ये सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट करेगी यानी कि 55,000 यूनिट्स बेचेगी 17 रुपए के हिसाब से, तो फिर ये हो जाएगा 55,000 × 17। 55,000 × 17 जो है वो बनता है हमारा माइनस हमारी जो कॉस्ट है। अब हमारा कॉस्ट का फंक्शन ये सेकेंड वाला अप्लाई होगा जिसके हिसाब से मैं 5 रुपये पर यूनिट 55,000 यूनिट्स के अगर पे करूं और 240,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट पे करूं तो ये आता है 5,15। इधर से हमारी कॉस्ट कैलकुलेट होगी, जब मैं इसको नेट ऑफ करूंगा तो मेरा आंसर 4,20,000 आएगा, यानी कि 4,20,000 का कंपनी को प्रॉफिट होगा। लास्ट कंपनी के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि कंपनी जो है वो 80,000 यूनिट बेचे और एक यूनिट जो है वो 13 का बिकेगा। अगर कंपनी 80,000 यूनिट बेचेगी 13 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो होगा 80,000 × 13 विच इज 1,040,000। कंपनी की जो कॉस्ट का फंक्शन अप्लाई होगा वो नया वाला अप्लाई होगा और इसके हिसाब से 5.25 वाले 80,000 यूनिट्स प्लस 2,40,000 रुपये, ये होते हैं 660,000। तो कंपनी की जो नेट कॉस्ट बनेगी यहाँ पर वो होगी 1,040,000 माइनस आंसर विच इज 3,80। इस हिसाब से कंपनी को जो है वो 4,20,000 का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है इन तीनों में से, लिहाजा कंपनी को जो है वो 55,000 यूनिट बनाकर बेचने चाहिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेशन में जब इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं आप लोगों से रेशियोज डिस्कस करूंगा और मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह मैं कल अपना नेक्स्ट सेशन भी रखूंगा बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ रेशियोज। रेशियोज और जो कॉस्टिंग का पोर्शन है वो मिल मिलाकर आपके पेपर का FAR 1 के पेपर का 25 मार्क्स का हिस्सा कवर करते हैं। और इसके अलावा आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी हैंडआउट्स हैं वो CA काउंसलर्स के पेज पर या फिर आपको अकाउंटेंसी गाइड्स पर मिल जाएंगे आराम से। आप अकाउंटेंसी गाइड्स या CA काउंसलर्स कोई भी एक पेज जो है वो अपने लैपटॉप से ओपन ओपन करें और लैपटॉप से ओपन कर उसके फाइल स्टेप में जाएं। आपको फाइल स्टेप में सारे के सारे हैंडआउट्स और उसके सॉल्यूशंस भी इनफैक्ट आराम से अवेलेबल होंगे। होपफुली ये सेशन अच्छा रहा। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे और कल मैं रेशोज भी डिस्कस कर लूँगा, और अगर ऐसा ना हो सका, अगर कल टाइम की अवेलेबिलिटी इन केस ना हुई, तो आपको CA काउंसलर्स पर, अकाउंटेंसी गाइड्स पर या मेरे यूट्यूब के चैनल पर रेशियोज के अराउंड और FAR 1 के अराउंड 28 to 30 वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं जिसको आप देखकर फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज़ सबको।